तो यू गाइस कैसे हो भाई। गाइस आ गए एकदम न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइस होप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आ गए एकदम न्यू मतलब वापस मिथ बस्टर की सीरीज के साथ, और मस्त मस्त मिथ्स आए तो ये बार ट्राई करेंगे और मस्त है, तो लास्ट तक बने रहना। और गाइस चैनल पर जो भी न्यू हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑन कर देना क्योंकि नोटिफिकेशन की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अपन डालेंगे ठीक है। वीडियो मस्त है, एंड तक देखना। तो गाइज एमडी भाई का कुछ ऐसा कहना है कि वन पंच मैन वाला जो लेवल 3 का बैग है वो मेल कैरेक्टर में बड़ा दिखता है और फीमेल में छोटा। तो चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। मैंने बैग तो ले लिया, हम इधर पहला बैग लेंगे मेल कैरेक्टर पे ठीक है। लेवल 1 का लूंगा, लेवल 1 का देख लो नॉर्मल सा है ठीक है। लेवल 2 का लेंगे, लेवल 2 भी नॉर्मल है ओके। लेवल 3 का लेंगे तो आप देख ही रहो बैग कितना बड़ा दिख रहा है। देख रहे हो ये वन पंच मैन वाला बैग है, ये भी आपको भी मिला होगा। तो ये बहुत बड़ा बैग है। आप अपन फीमेल कैरेक्टर में ट्राई करेंगे, फीमेल कैरेक्टर में लेके आ गया बैग इक्विप करके। इधर लेवल 1 का ट्राई करेंगे, लेवल 1 सेम एज सेम लग रहा है। लेवल 2 थोड़ा छोटा लग रहा है कंपेरिजन से, थोड़ा छोटा। 3 ट्राई करेंगे, ओ भाई 3 तो पूरा मतलब अलग ही हो जा रहा है, कितना छोटा है देख ही सकते हो। मतलब मेल कैरेक्टर में बहुत बड़ा है, पर ये बैग मेरे को सबसे सही फीमेल कैरेक्टर पर लग रहा है क्योंकि देखो बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है और बहुत यूनिक लगता है फीमेल कैरेक्टर पर। तो भाई बहुत सही मिथ था, मेरे को पसंद आ गया और भाई का मैं एकदम 100% कंफर्म है। तो अगला मिथ ये है कि गाइस ट्रेनिंग में झूले के पास जाओ उसके साइड रोड से हम ऊपर नहीं चढ़ सकते पर पीछे से चढ़ सकते हैं। तो चलिए ट्राई कर लेते। तो पहले तो मैं समझ नहीं आया मेरे को झूले किसकी बात कर रहा है, तो मैं फिर ट्रेनिंग में बहुत ढूंढा, फिर मेरे को समझ आ गया ये है। देखो आप इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं चढ़ सकते। और गाइज जो भी मिथ दे रहा है एकदम सही लिखो, कंफ्यूजिंग बहुत लगता है, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। सही से लिखो आप कहना क्या चाह रहे हो। देखो आप किधर भी जितना भी ट्राई करोगे आप नीचे गिर जाओगे। मैंने इधर बहुत ट्राई किया पर मैं इधर नीचे गिरा जा रहा हूँ। ऑटोमेटिक आपको नीचे फेंक देगा, जैसे आप पेड़ पर चढ़ते हो वैसा, तो इधर ऑटोमेटिक आपको नीचे फेंक देगा। मैं नहीं उतर रहा ऑटोमेटिक। और पर आप पीछे से आओगे तो पीछे से आप ईजिली चढ़ सकते हो सीधा और इसके ऊपर जा सकते हो। पर थोड़ा इधर पता नहीं क्या हो रहा था, इधर जब भी आते पिंग हाई जा रहा था और मतलब आगे पीछे हो रहा था, फिर भी मैं ऊपर पहुँच गया। देख ही सकते हो धीरे धीरे करके मैं पहुंच ही गया हूँ, एटलीस्ट इधर तक आया। मैं इसके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, मैं जंप लगाने जाता हूँ और मैं नीचे गिर जाता हूँ। और देखो इधर मैं ट्राई कर ही रहा था और मैं नीचे गिर गया। पर आप कहीं से भी ट्राई कर लो, आगे से पीछे से, मतलब आगे से तो आप जा ही नहीं पाओगे, कूदोगे तो वापस आपको फेंक देगा, पर पीछे से आप जा सकते हो। तो भाई का मित्र एकदम 100% कन्फर्म है। और इधर चढ़ के आप अपने दोस्तों को भी सरप्राइज कर सकते हो। तो गाइस क्रेजी भाई का ऐसा कहना है कि जब आप लॉग इन करेंगे गेम तो उसी टाइम पे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना तो कुछ जादू हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्योंकि अपन ने अपडेट कर दिया है, तो ये देखते हैं अपडेट के बाद भी वर्क करता है कि नहीं, शायद कुछ होगा। पहले होता था, कुछ तो होता था मेरे को पता है। तो मैंने डायरेक्ट इधर प्रोफाइल खोल लिया और इधर मेरी प्रोफाइल तो दिख गई है, कैरेक्टर नहीं आया पर कैरेक्टर आ गया और सबको नॉर्मल है, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला है। और लगता है शायद मतलब अपडेट में ये ग्लिच या जो भी था वो बंद हो गया है। फिर भी मेरे को एक बार ट्राई करना था और मेरे को आप लोग को दिखाना था, पर फिर भी अभी इसमें प्रोफाइल में तो कोई मैजिक देखने को अपने को मिला नहीं। आपको कुछ देखने को मिला हो तो बता देना क्योंकि मेरा इंटरनेट फास्ट तो शायद जल्दी लोड हो गया। पर अभी के लिए तो गाइस मिथ पूरी तरह बस्टेड था। तो गाइस एक भाई ने मेरे को चैलेंज किया है कि रीच एट द टॉप ऑफ द वुडन व्हील हाउस, इट्स टू हार्ड। मतलब वो बोल रहे बहुत हार्ड है। तो मैं सोचा वुडन हाउस कौन सा है, पर मेरे को फिर ही पता चला ये वाला। उन्होंने मेरे को कमेंट में बताया कि ट्रेनिंग जोन में जो होता है वो, तो मैं ये चढ़ने आ गया। मैं पहले कभी नहीं चढ़ा हूँ, मैं पहली बार चढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग इतना मैं वापस ध्यान नहीं दिया हूँ। फिर भी देखो मैं चढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉलेज है कि कैसे ईजिली चढ़ सकते हैं, मतलब नीचे गिरे वगैरह। तो मैंने बहुत ध्यान से इधर चढ़ रहा हूँ। तो मैं सोचा कि ये मिथ के बीच में इन्होंने चैलेंज डाल दिया तो बोला करके दिखाओ, तो मैं सोचा करके दिखाना पड़ेगा। ये देखो मैं गिर गया, मतलब पहली बारी में तो हुआ नहीं, अब मैं करूँगा, मैं पक्का करूँगा। और जिसको भी चढ़ना हो देख लेना कैसे चढ़ते हैं। मैं पहली बारी चढ़ रहा हूँ पर मेरा पूरा फुल दिमाग यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी देखो मतलब कोई एक गन लेके आना ईजिली तो हो जाएगा। और भाई ने चैलेंज दिया, मैं सोचा ये करना बनता है और कुछ यूनिक रहेगा। लाइक अपने आप दोस्त को भी कह सकते हो कि चल जो भी ऊपर पहुँचा वो जीतेगा, या फिर लाइक तू मेरे को 100 डायमंड देगा, वैसे मतलब कुछ भी आप चैलेंज कर सकते हो अपने दोस्त के साथ, तो बहुत सही है। या फिर मतलब किसी को बोल सकते तू इधर चढ़ सकता है, मेरे को चढ़ के दिखा ये वो, तो मतलब थोड़ा ट्रेनिंग में फ़न भी है ठीक है। तो ये चैलेंज था तो मैं इधर आ गया, इधर से इधर आ गए। बहुत ईजी है, मतलब ईजी तो है पर एक बार नीचे गिर गए तो आपको वापस फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर से आप डायरेक्ट ऊपर चढ़ सकते हो, बहुत सही है। इधर से आपको वापस लेफ्ट जाना पड़ेगा और इधर वापस इधर वुडन मतलब जो विंडो है इसके ऊपर आना पड़ेगा। ये सबसे वाला हार्ड है,
ये सबसे हार्ड है, ये कर लिया तो मतलब मान जाएंगे, क्योंकि इधर से गिरोगे तो मतलब ख़त्म ही एकदम नीचे। फिर भी मैंने इधर कैसे भी कर लिया पहले ही ट्राई में, और मैं इधर एकदम ऊपर आ गया। तो भाई इतना हार्ड भी नहीं है, मतलब आप कर लोगे तो हो जाएगा, पर मतलब दिमाग लगा के करना थोड़ा तो ईजीली हो जाएगा। और चैलेंज तो कम्प्लीट कर दिया, बहुत सही चैलेंज था। तो गाइज और अब चैलेंज की सीरीज़ भी बनाए क्या, मेरे को बताना कॉमेंट में। तो गाइज ये बाइक का ऐसा मैं था कि G18 की सिंगल डैमेज वाली स्किन लेग पर नहीं दिखती, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। मतलब सिंगल डैमेज वाली तो यही मेरे को लग रही है, मेरे को और कोई भी स्किन नहीं मिली सिंगल डैमेज वाली, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। आपको पता हो तो मेरे को बताना, पर मैं तो ये वाली कर रहा हूँ, क्रोनो वाली जो है अपनी CR7 वाली। तो इधर मेरे को मिल गई है, मैंने 5 बक्से खोले और चलो इक्विप कर लेते हैं और देखते हैं कि वो पैरों में मतलब लटकती है कि नहीं, मतलब देख लेते हैं पैरों में लगती है कि नहीं। और इधर मैं ब्लू वाली इक्विप कर लेता हूँ, ठीक है ओके। मेरे को और भी कोई सिंगल डैमेज वाली स्किन नहीं मिली, कोई एक थी रेंज वाली थी और कोई डबल डैमेज वाली थी शायद, तो और तो कोई नहीं थी, यही मिली। तो चलो ट्राई कर लेते हैं, और आपको पता हो कि कौन सी स्किन होती है मेरे को भी बताना। तो ये वाली पे अपन ट्राई कर लेते हैं। इधर ट्रेनिंग में आ गया हूँ, ठीक है ट्रेनिंग में, इधर डायरेक्ट जाके अपन पिस्तौल लेंगे जो अपनी G18 होती है, G18 लेंगे, कहाँ गई, और हमको इधर पिस्तौल में जाना है और G18 लेंगे और ट्राई करके देखते हैं। हाथ में आ गई है, अब पैरों में डालेंगे। तो गाइस देख ही सकते हो मतलब इजीली पैरों में लटक गई है, पर बहुत मतलब आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा है कि पैरों में है कि नहीं, पर ये पैरों में लग रही है, पैरों में तो लग रही है। या फिर शायद आप किसी और स्किन की बात कर रहे हो, ये देखो स्टोर में 2 स्किन है मतलब जी पिस्तौल की, तो देख लो। पर अभी के लिए तो गाइस मिथ पूरी तरह बस्टेड निकला। तो गाइस इनका ऐसा कहना है कि पहले पैट इक्विप करो, फिर स्क्वाड में जाओ, फिर अपना पैट फलकों में चेंज कर लो, फिर फ्लाइंग वाला इमोट करो, तो क्या पुराना दूसरे लोगों को आपका पुराना वाला ही मतलब पैट दिखेगा। तो चलिए ट्राई कर लेते। मैंने ये अपने दोस्तों को बताया तो ये ऐसा ही कर रहे हैं। तो देखो जैसे ये अपने विलन भाई कर रहे, देखो अपना जो फलको है उससे गोरिल्ला वाला इमोट कर रहे, वाह भाई। और अपना ये राइट साइड में कौन सा पैट है मेरे को नहीं पता, पर उससे वो फलको वाला इमोट कर रहे। तो ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ये कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये आप गोरिल्ला वाला इमोट देखो, तो वो इमोट फलको कर रहा था, अभी आप देख ही सकते थे। तो आपको करना क्या है, कोई भी नॉर्मल पैट लेके एक स्क्वाड में जाना है, फिर आपको लेफ्ट साइड पैट में जाके आपका पैट चेंज कर लेना है नॉर्मली, और आप में पैट चेंज हो जाएगा, पर दूसरों के सामने पैट चेंज नहीं होगा, तब वो तो इमोट करता ही रहेगा, ठीक है। मतलब लाइक अभी मेरे पास देखो ये पैंथर है, अब मैं चेंज कर लूँ इसको फलकों में तो मेरे को फलको दिखेगा, पर दूसरे लोगों को वो पैंथर ही दिखेगा, और मैं फलकों को फ्लाइंग वाला इमोट करूँगा तब मेरा पैंथर उड़ेगा, मतलब उनकी नज़रों में मेरा पैंथर उड़ेगा। मेरे को पता है गाइस बहुत कन्फ्यूजिंग है, पर बहुत सही है, और ये वाला मिथ बहुत सही था, मैंने भी सुना था, मेरे दोस्तों ने भी बताया, तो मैं सोचा ये ट्राई करना बनता ही है, और बहुत यूनिक है, कॉमेडी है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कर सकते हो, और मिथ तो 100% कन्फर्म था। तो गाइस इनका ऐसा कहना है कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट करो, फिर तुरंत कैंसिल कर दो, तो थोड़े सेकंड में वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी ट्रेनिंग। तो ये भी मैंने कभी कभी नोटिस किया है, पर ये बार अपन प्रैक्टिकली ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मैंने इधर ट्रेनिंग स्क्वाड लगा लिया, ठीक है अब मैं कैंसिल कर दूंगा, जैसे कैंसिल किया उसके 2 सेकंड में वापस मेरी गेम लग गई है, देख ही सकते हो मेरी गेम लग गई है। मेरे को लगा अपडेट के बाद नहीं हो रहा होगा, पर ये अभी भी वर्क कर रहा है, तो ध्यान से ट्रेनिंग स्टार्ट करना। तो क्योंकि वो कैंसिल करने पर भी वापस स्टार्ट हो ही जाती है ऑटोमेटिक, उसका मैच मेकिंग बंद होता ही नहीं ऑटोमेटिक, मतलब इनविजिबली, पर मैच तो एकदम 100% कन्फर्म निकला गाइस। तो गाइज होप सभी आपको वीडियो पसंद आया होगा, यार प्लीज़ थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपका शेयर करने में कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगी शेयर करने में, तो प्लीज़ नीचे शेयर कर देना। और गाइज थोड़ा भी कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। और गाइज लाइव करने का भी सोच रहे, और मेरे पास और भी कुछ भी सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जो भी मतलब मेरे बहुत टाइम से मेरे सब्सक्राइबर है वो सब के लिए कुछ मैं गिव अवे सोच रहा हूँ, मतलब नए वाले भी ले पाएंगे, पुराने वाले भी ले पाएंगे, पर पुराने वाले जो मेरे है मतलब मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, मैं उनको कुछ सरप्राइज देना है, तो वो बस बने रहिए, बहुत कुछ यूनिक लाना है, ठीक है।